मंगलवार के दिन सुबह के वक्त उपायुक्त आवास परिसर में अचानक आग लग गई और आग ने इतना रौद्र रूप धारण कर लिया कि देखते ही देखते जंगल में लगी आग की तरह इस भयानक आग ने सटे योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज परिसर को भी अपने शिकंजे में ले लिया और तीव्र गति से बढ़ती आग कॉलेज कार्यालय तक जा पहुंची। टाइगर मोबाइल के जवानों की नजर इस आगजनी पर पड़ी तो सूचना देकर अग्निशमन दस्ते को फौरन आग बुझाने के लिए लगाया जा सका। लगभग डेढ़ घंटे के अथक प्रयास के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है, जबकि जान माल के नुकसान की खबरें भी नहीं मिली है। परिसर में खड़े सघन पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां और सूखी टहनियां आगजनी में जलकर पूरी तरह खाक बन गए। वहीं आग बुझाने में दो अग्निशमन वाहनों को लगाया गया। वह स्थानीय पुलिस और अग्निशमन कर्मियों के अथक प्रयास से ही एक बड़े हादसे को टाला जा सका। डीसी रेसिडेंस के अंदर से जंगल में जो है कि आग लगी थी और वो आग लगते लगते नामधारी कॉलेज का ऑफिस के सामने लाइब्रेरी के सामने में आग लग गई और वो भीषण आग लगी थी। ऑफिस जलने से टाइगर के मोबाइल के द्वारा अथक प्रयास के द्वारा अन्य पुलिसकर्मी और थे आग को काबू पाए।